Hello students, I am Ajay sir from Vekanan School, Bani. Now the next topic of class 12 physics. Electric field intensity at any point on the axis of uniform charge ring. Okay, here we take a ring, a wire with a negligible diameter. Ek wire lenge jiska diameter bahut hi jyada negligible hai, na matra hai. Okay, इस वायर के ऊपर अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस. कोई भी इसकी एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट पी ले लेना है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. ओके चलो हम देखते हैं. अभी देखो यहाँ पे क्या है, इस सभी रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. ये देखो पॉजिटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग. ओके हियर द रेडियस ऑफ द रिंग इज एयर. ओके वी टेक ए स्मॉल कंपोनेंट ए बी. ओके हम इस स्मॉल कंपोनेंट ए बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे और फिर इसका क्या कर देंगे, इसको समेशन कर देंगे. ओके फर्स्टली यस we take the distance from that element, small element, to that point P. Here we find out the electric field intensity. Okay, point P, distance from AB to point P is root R square plus A square by the Pythagoras theorem, because this is the base perpendicular and this is the hypotenuse. Okay, here the direction we already know about, that the positive charge direction is always away from that charge. Okay, this is the direction of electric field intensity, that is dE. Here the two rectangular component of this electric field intensity, dE cos theta and dE sin theta. Here the theta is the angle between the component. Okay, here the axis and there electric field intensity direction dE. Okay, consider a small element. हमने क्या किया, small element AB लिया, loop जिस AB की length कितनी ली, dl. Okay, here the AB is equal to dl. Charge on the element AB, AB element के ऊपर charge, बहुत simple सी बात है. हमने small charge होगा ना AB element के ऊपर, क्योंकि हमारे पास पूरे ring के ऊपर charge Q है. Ring का जो circumference है वो 2 pi a है और जो small element का जो distance है that is dl. Okay, तो हमने उस small component के लिए charge find out कर लेंगे. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए बी इज. ओके हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट पी के ऊपर, क्या किसके लिए, उस स्मॉल कंपोनेंट ए बी के लिए. ओके डीई डीई, अब आपको फार्मूला तो पता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, 1/4 πε0 डी क्यू. डी क्यू क्या है, वो चार्ज जिसके लिए हमने निकालनी है, सी पी स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ओके हियर द पॉइंट सी एंड सी पी स्क्वेयर आप डिस्टेंस यूज करोगे. अब डी ई के जो कंपोनेंट है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व हो जाएंगे. ओके अब आपको पता है जो, अब ये देखो यहाँ पे डी ई साइन थीटा है. मान लो ये कंपोनेंट यहाँ पे है, एक अनदर कंपोनेंट यहाँ पे होता. ओके तो क्या होता, ये कंपोनेंट का डिस्टेंस ये लेते हैं तो डी ई साइन थीटा एक इससे अपोजिट और हो जाता, तो डी ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा हर बार कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके क्योंकि आपको पता है उसके अपोजिट भी तो एक कंपोनेंट होगा. बट अगर इस रिंग से कोई बाहर, जैसे मान लो यहाँ पे रिंग पड़ी हुई है, ये मान लो रिंग है, इस रिंग के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेते हैं तो इसके लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो आ जाएगी, बट इस पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो इस पॉइंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी. इसके लिए निकालोगे तो इसके साथ कैंसिल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ही रहेगी जो इस सीधा वो डीई कोस्ट एक्सिस के लॉन्ग रहेगी. देखो एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ही एड होगी, बाकी हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसके अपोजिट में तो एक कंपोनेंट होगा, इसके अपोजिट है ये कंपोनेंट, कोई भी इसके अपोजिट ये कंपोनेंट होगा. ओके तो डीई साइन थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट कैंसिल आउट इज, ओनली जो एक्सिस वाले होंगे वही समेशन होगा उनका. ओके सम होगा डीई. ओके आपने डीई निकालना है. अभी देखो ई निकालना है, ई का समेशन हो जाएगा डी ई कोस थीटा. कोस थीटा आपको पता ना, ये कोस थीटा के अलोंग है क्योंकि एंगल इसके साथ है, तो ये कोस थीटा का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है. अब कोस आपको पता है क्या होता है, ओपी बाय में ओपी बाय में सी पी. ओके यहाँ पर कर लोगे. ओके बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, बेस आपके पास आर है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है. अब देखो ई समेशन डी ई
1 by 4 pi epsilon naught d cube by में r square plus a square, ये आपका formula लगा और cos theta की value ये आपने put कर दी. अब आपने क्या करना है, 1 by 4 pi epsilon naught, अभी आपने d cube की value find out की थी, ये वाली q charge, complete charge by में उसका circumference multiply उसकी length, okay? तो ये आपने यहाँ पे put कर देना है r by में, वो cos की value वैसे की वैसे रहेगी. अब इन दोनों को multiply हो जाएगा, okay? अब DL, अब यहाँ पे तो DL कंपोनेंट एक छोटा सा कंपोनेंट है, बाकी सारे की तो वैल्यू फिक्स है ना, तो DL का ही समेशन होगा वो लूप के लिए, तो DL का समेशन हम कर देंगे, बाकी सारी चीज को अलग कर लेंगे. अब ये देखो हमारे पास 2R है, अब ये देखो DL क्या है, स्मॉल कंपोनेंट, और पूरा इसका समेशन क्या हो जाएगा, पूरा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई a, आपको पता है रेडियस है, तो क्यू आर 2 पाई a, ओके 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3 बाय 2 अलोंग px, px आपको पता है इस वाले अलोंग डायरेक्शन आपकी फाइंड आउट हो जाएगी. ओके इसके स्पेशल केस करते हैं, व्हेन p एट द सेंटर ऑफ द लूप, मान लो वो जो पॉइंट है सेंटर पे, मान लो इस सेंटर पे लूप पे है, तो r डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. r डिस्टेंस यहां पे आप 0 पुट करोगे तो कंप्लीट जो वैल्यू रहेगी वो 0 हो जाएगी. ओके When r is very very large than a, मान लो वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर पड़ा, p is far from the loop, बहुत ज्यादा दूर पड़ा, तो क्यों आपको पता है जो a है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमने r की वैल्यू ले लेंगे, ये जो वैल्यू रहेगी ये वाली वैल्यू ये 0 हो जाएगी, आपके पास ये सिर्फ ये आएगा q r 4 pi epsilon not r cube, q by में 4 pi epsilon not r cube along px. अब E will be maximum value, मानो उन्होंने बोला है ये तो वैल्यू आ गई जब बहुत ज्यादा दूर है, ये वैल्यू आ गई जब सेंटर पे थी. ओके E will be the maximum, D will be the maximum. अब नेक्स्ट केस है कि मैक्सिमम कब वैल्यू होगी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम होगी, तो आपने क्या करना है DE by में DR का क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0. ओके DE बाय में R इक्वल टू 0 करके R के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो D बाय में DR E की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का 3 बाय 2 इक्वल टू 0. ओके अभी देखो जो जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर ले लोगे, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, अब ये जो सारी टर्म है इसका डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे. ओके U बाय में V फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला आपका डिफरेंशिएट में आपको आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे. ओके इसका डिफरेंशिएट होगा, वैल्यू ऐड होगी, और इसका दोबारा होगा क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है ना, तो इसका दोबारा होगा तो ऊपर वैल्यू उस हिसाब से रहेगी. ओके अब यहाँ पे आपका क्या होएगा, ये वाली टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, अब ये है इधर नेगेटिव है, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 3r² = r² प्लस a स्क्वायर ये वैल्यू ऐड होगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय में रूट टू, ये आपकी r की वैल्यू हो जाएगी. ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डिमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके अब अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म टू डिमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाला, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से वहां पे होगी, उसके अंदर अगर डाइपोल पड़ा होगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपने निकालना. ओके मान लो ये डाइपोल पड़ा हुआ है, क्यू माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू, ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी, ये डाइपोल का डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई गिवन है. ओके तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई लगेगी इस पॉइंट के लिए, इस पॉजिटिव के लिए एफ इक्वल टू क्यू ई लगेगी. ओके ये एक ये जो फोर्स है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो नेगेटिव चार्ज के लिए ये अगेंस्ट लगेगी. ओके तो ये फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्यों ही अलोंग ही लगेगी, माइनस चार्ज अपोजिटिव ही लगेगी. नेट फोर्स आप निकालोगे तो यहाँ पे जितनी इधर लगेगी उतनी उधर लगेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. ओके तो आपने टाउ निकालना है कि क्या रोटेशन क्या होगी इसके अंदर, क्या डाइपोल रोटेट करेगा, कितना रोटेट करेगा, तो टाउ होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. फोर्स ये होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो आर्म होगी. ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा टाउ के अंदर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए सी है. ओके एसी रहेगा, एसी के टाउ इक्वल टू एफ मल्टीप्ली एसी. अब एसी डिस्टेंस है तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग यहां पे निकालोगे तो एसी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा. ओके टाउ इक्वल टू एफ इक्वल टू टू ए बी का डिस्टेंस आपके पास पता है 2a है क्योंकि ये एक डाइपोल का लेंथ है, डाइपोल की 2a साइन थीटा हो जाएगी. एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगी, 2a साइन थीटा हो जाएगी. ओके टाउ इक्वल टू तो क्यू 2a मल्टीप्लाई क्यू यहां पे रो हो जाएगा. ओके ये क्या है डाइपोल. ओके डाइपोल का फार्मूला पता है ना, डाइपोल इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, तो क्यू इंटू टू ए साइन थीटा हो जाएगा. ओके टाउ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई ई हो जाएगा.
tau is perpendicular to P and D outward direction के अंदर जो आपकी force रहेगी वो outward direction में हो जाएगी okay क्योंकि ये दोनों के जो जिसमें लगे उसी direction के अंदर है ये tau opposite रहेगा इससे okay next है इसके अंदर case करते हैं अब case है अभी आपने निकाला है tau is equal to P e sin theta okay तो stable equilibrium कब हो जाएगा जब theta is equal to 0 हो जाएगा theta 0 ये देखो ये angle theta है ना अगर ये जो 0 है मतलब इसी direction में ये तो हो गया ये dipole घूम के electric field की direction में इधर assign हो गया तो ये theta 0 हो जाएगा theta 0 हो जाएगा तो tau is equal to P e sin theta 0 हो जाएगा तो आपकी जो value आएगी वो equilibrium में हो जाएगी stable हो जाएगी unstable के अंदर जब 90 पे पड़ा होगा जब tau अब जो dipole है वो इस तरीके होता है जैसे AC के long पड़ा तो उसके ऊपर maximum force लगेगी okay तो ये आप निकाल लोगे okay unit आपको पता newton meter होते हैं dimension आपका ये कर लोगे next topic is potential energy of the dipole in a uniform electric field अब आपने क्या निकालना potential energy निकालनी है dipole की uniform electric field के अंदर dipole is the energy same as it मैं बताऊं कि मतलब कोई electric field के अंदर कोई dipole पड़ा हो dipole के ऊपर कितनी energy लगे कितनी force लगे कि किस angle के साथ उस dipole को रखेंगे उसके अंदर maximum potential energy create होगी किस angle पे रखेंगे उसमें अंदर minimum potential energy create होगी तो ये आपने देखना है dipole is the energy possessed by dipole by virtue of the particle position in the electric field suppose P is the oriented at angle theta. मान लो आपने P angle theta के साथ oriented किया मतलब जो dipole घूम रहा है angle theta के साथ electric field E के अंदर तो आपको formula अभी निकाला था tau is equal to P sin theta हो जाएगा अब आपने देखना कितना work done होगा तो आपको पता है work done क्या होता है force multiply distance force यहाँ पे tau है तो d theta मतलब orientation कितनी हो रही है तो ये d theta orientation बताएगा tau की value P sin theta d theta हो जाएगी अब आपका मान लो पहले वो पड़ा हुआ था मतलब कोई भी dipole theta angle से पड़ा हुआ बाद में घूम के theta 2 angle पे चला जाता है तो आपने integration theta 1 से theta 2 निकालना है w is equal to theta 1 से theta 2 P sin theta d theta ओके okay? अब P है वो बाहर निकल जाएगा sin theta के along करोगे तो sin का आपको पता minus cos theta theta 1 to theta 2 हो जाएगा minus P minus बाहर आ जाएगा cos theta 2 minus theta 1 हो जाएगा ओके okay? तो ये आपका value आ जाएगी tension energy के अब केस कर रहे हैं मान लो initial long E अब मान लो जो theta 1 है वो 0 में तो पहले dipole जीरो एंगल पे पड़ा हुआ बाद में रोटेशन कितनी होगी अगर जीरो एंगल पे होगा तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा रहेगी अब आप यहां पे q1 की जगह 0 पुट कर दोगे q2 की जगह थीटा पुट करोगे ओके अब इनिशियल जब वो राइट एंगल पे होगा थीटा 1 की जगह 90 और थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर दोगे तो इस अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी ओके माइनस p cos थीटा 2 की जगह पुट करना है तो थीटा 1 तो थीटा ही रहेगा माइनस अब आपको पता है cos 90 जो होता है 0 होता है तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस p cos θ आ जाएगा ओके तो ये आपका स्केलर फॉर्म के अंदर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा जो पोटेंशियल एनर्जी जूल के अंदर मेजर की जाती है ओके ये आप साथ-साथ नोट्स बनाते रहोगे तो बहुत आपको इजी रहेगा हमारा अब जो नेक्स्ट यहां तक ये था फर्स्ट बी पार्ट हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट सी करेंगे ओके टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ